सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे भी आज डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे। सर, आज यहां पर आप चुनाव आयोग अधिकारी से मुलाकात आपने की, क्या कुछ कहा? अब वो हमारे प्रवक्ता तो आपको बना राजेंद्र चौधरी बता ही चुके हैं, अब उसको हमें दोहरा बताने की क्या ज़रूरत है। उनको हम लोगों ने जो बातें थी कि किस तरह से ये जसवंत नगर पे उनके अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उन पर किस तरह से दबाव डालकर भाजपा के प्रति उनमें एक भय पैदा करके वोट दिलाने की बात करते हैं, उसी संदर्भ में हम लोगों ने दिया। उन्होंने कहा हम देखवाएंगे। नहीं, आज़म खान साहब भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, तो जसवंत नगर के अलावा क्या आपने रामपुर के लिए भी? अब वो रामपुर का फिर वो अलग से शायद वो कुछ किया जाए, हम और आज रामपुर की बात नहीं थी, आज की और जसवंत नगर की बात। क्या आरोप है डीएम और एसएसपी पे, जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो वहाँ के लोगों को धमका रहे हैं, तो ऐसे कहाँ? ये आप लोग तो पत्रकार हैं, सब जानते हो, यही सब करते हैं ये। तो ये माता प्रसाद पांडे जी थे जिनका कहना है कि जिस तरह से डीएम और एसएसपी वहाँ पे धमका रहे हैं, उनका वो काम है। और सपा सभी सीटों पे जीत हासिल कर रही है, लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में दखल डालते हुए नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कफील उर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।